हेलो रूबी के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रूबी क्या है, खसूसियात, रूबी जेम्स और रूबी पर मदद, तंसीब, रूबी कोड रन करना, कमेंट यानी तबसरा करना, पुट्स और प्रिंट में फर्क। यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्जन 12.04 और रूबी 1.9.3 इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्यूटोरियल को समझने के लिए इंटरनेट से जुड़ा होना जरूरी है। आपको लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करने का इल्म होना भी जरूरी है। अब मैं समझाऊंगा कि रूबी क्या है। रूबी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तशरीही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी जुबान है। ये डायनामिक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें एक पुरकशिश सिंटैक्स है जिसे आसानी से लिख पढ़ सकते हैं। अब रूबी की कुछ खूबियां देखते हैं। रूबी काफी पोर्टेबल है। रूबी प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है। स्मॉल टॉक, बेसिक या पाइथन की तरह रूबी में वेरिएबल्स का डेटा टाइप नहीं होता। ये खुदकार मेमोरी के इंतजाम को सपोर्ट करता है। रूबी एक फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है। आप अपना प्रोग्राम किसी भी लाइन या कॉलम से लिख सकते हैं। रूबी इंटरनेट और इंट्रानेट एप्लीकेशंस को बनाने में इस्तेमाल होता है। रूबी जेम्स रूबी की अहम खसूसियात में से एक है। रूबी जेम्स रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पैकेज मैनेजर है। ये रूबी प्रोग्राम और लाइब्रेरीज की तकसीम कारी के लिए मयारी फॉर्मेट देता है। आप अपने जेम्स बना और शाया कर सकते हैं। रूबी जेम्स की मजीद मालूमात के लिए दिए हुए लिंक पर जाएं। रूबी की मजीद मालूमात के लिए आप दिखाई गई लिंक पर जा सकते हैं। आप Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर का इस्तेमाल करते हुए रूबी को नस्ब कर सकते हैं। Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर पर मजीद मालूमात के लिए इस वेबसाइट पर Ubuntu लिनक्स ट्यूटोरियल्स देखें। रूबी इंस्टॉल करने के दूसरे तरीके इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। रूबी कोड को तीन तरह से अंजाम दिया जा सकता है, कमांड लाइन, इंटरैक्टिव रूबी और फाइल की तरह। हम एग्जीक्यूशन के हर तरीके को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कमांड लाइन से हेलो वर्ल्ड कोड को कैसे एग्जीक्यूट करें। एक साथ कंट्रोल ऑल्ट और टी कीज दबाकर टर्मिनल खोलें। स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो नजर आती है। कमांड टाइप करें रूबी स्पेस हाइफन ई स्पेस सिंगल कोट्स में पुट्स स्पेस फिर डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड और एंटर दबाएं। हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिलता है। टर्मिनल पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए पुट्स कमांड का इस्तेमाल होता है। हाइफन ई फ्लैग सिर्फ एक लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। एक से ज्यादा हाइफन ई फ्लैग्स का इस्तेमाल एक से ज्यादा लाइन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हैं। इसकी मशक करते हैं। पिछली कमांड के लिए अप एरो की दबाएं और टाइप करें स्पेस हाइफन ई स्पेस सिंगल कोट्स में पुट्स स्पेस 1+2 और एंटर दबाएं। हमें हेलो वर्ल्ड और 3 आउटपुट मिलता है। अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। अब हम इंटरैक्टिव रूबी के बारे में सीखेंगे। इंटरैक्टिव रूबी रूबी कमांड को फौरी तौर पर अंजाम देता है। आप रूबी स्टेटमेंट्स को रन करके आउटपुट और दीगर वैल्यूज देख सकते हैं। रूबी के पुराने वर्शन के लिए आईआरबी अलग से नसब करें। अब रूबी कोड आईआरबी से एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर जाएं। इंटरैक्टिव रूबी शुरू करने के लिए आईआरबी टाइप करें और एंटर दबाएं। टाइप करें पुट्स स्पेस डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड और एंटर दबाएं। हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिलता है और रिटर्न वैल्यू नील आता है। आईआरबी से बाहर आने के लिए एग्जिट टाइप करें और एंटर दबाएं। आप रूबी प्रोग्राम फाइल से भी रन कर सकते हैं। कोड लिखने के लिए अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूं। gedit टेक्स्ट एडिटर पर जाएं। अब टाइप करें पुट्स स्पेस डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल लाइन या ब्लॉक कमेंट्स को कैसे शामिल करें।
puts कमांड से पहले टाइप करें equal to begin और एंटर दबाएं। equal to begin कमेंट शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो कमेंट्स आप शामिल करना चाहें टाइप करें। टाइप करें my first ruby program और एंटर दबाएं। टाइप करें this code will print hello world। एंटर दबाएं। अब equal to end टाइप करें। मल्टीपल लाइन कमेंट्स को खत्म करने के लिए equal to end इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम की रफ्तार की वजाहत के लिए कमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुफीद है। अब सेव बटन पर क्लिक करके फाइल को सेव करें। फाइल को वक्फे-वक्फे से सेव करना एक अच्छी आदत है। आपकी स्क्रीन पर सेव एज डायलॉग बॉक्स नजर आता है। सेव करने की जगह मुंतखब करें। डेस्कटॉप पर मैं रूबी प्रोग्राम नामी एक फोल्डर बनाऊंगा। हम फाइल को इस फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स नेम में जो नाम आप चाहते हैं टाइप करें। मैं टाइप करूंगा hello.rb। रूबी फाइल को .rb एक्सटेंशन दिया गया है। फिर फाइल सेव करने के लिए सेव बटन दबाएं। अब फाइल सेव हो गई है। कोड एग्जीक्यूट करने के लिए टर्मिनल पर जाएं। सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करें। यकीनी बनाएं कि आप इस डायरेक्टरी में हैं जहां रूबी फाइल है। याद रहे कि हम होम डायरेक्टरी में हैं। हमें सब डायरेक्टरी रूबी प्रोग्राम में जाना है। ऐसा करने के लिए टाइप करें cd space desktop/rubyprogram और एंटर दबाएं। फाइल एग्जीक्यूट करें। टाइप करें ruby space hello.rb और एंटर दबाएं। हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिलता है। अब मैं puts और print स्टेटमेंट में फर्क समझाता हूं। हम IRB इस्तेमाल करते हुए इसको समझेंगे। इससे पहले हमें वापस होम डायरेक्टरी में जाना है। ऐसा करने के लिए cd टाइप करें और एंटर दबाएं। अब इंटरैक्टिव रूबी शुरू करने के लिए IRB टाइप करें और एंटर दबाएं। टाइप करें puts स्पेस डबल कोट्स में हेलो कॉमा डबल कोट्स में वर्ल्ड। यहां कॉमा दो puts कमांड्स को जोड़ता है। अब एंटर दबाएं। हमें हेलो वर्ल्ड मिलता है लेकिन मुख्तलिफ लाइंस में। अब प्रिंट के साथ इसकी मशक करें। पिछली कमांड पर जाने के लिए अप एरो की दबाएं। puts को प्रिंट में बदलें और एंटर दबाएं। हमें आउटपुट हेलो वर्ल्ड मिलता है लेकिन इसी लाइन पर। puts कीवर्ड आउटपुट के आखिर में एक नई लाइन जोड़ता है। प्रिंट कीवर्ड ऐसा नहीं करता। प्रिंट कीवर्ड वही आउटपुट देता है जो हमने दिया है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। अपनी स्लाइड पर वापस जाएं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा रूबी के बारे में, कंसीव रूबी कोड का एग्जीक्यूशन, equal to begin और equal to end इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा कमेंट्स शामिल करना, puts और print में फर्क। मशक के तौर पर अपना नाम और उम्र प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखें। हमने इस ट्यूटोरियल में मल्टीपल लाइन कमेंट्स इस्तेमाल किए। सिंगल लाइन कमेंट देकर देखें। दर्ज लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देती है। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी खानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्जे लिंक पर दस्तियाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।